जयपुर गोविंद देव जी मंदिर से जहां पर महेश जोशी पहुंचे हैं। ये तस्वीरें जायजा ले रहे गोविंद देव जी मंदिर पर महेश जोशी, और अब पूरे मंदिर पर किस तरह से नव निर्माण हो उसको लेकर ये जायजा लिया जा रहा है। हालांकि अभी बातचीत फोन पर जारी है, लेकिन जो और तमाम लोग हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। गोविंद देव जी मंदिर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इन तस्वीरों में आप महेश जोशी को देख पा रहे हैं मंदिर नवनिर्माण का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। और मंदिर में कॉरिडोर का नक्शा बनेगा, कैसे ये पूरा जो नव निर्माण है वो होना चाहिए, कैसे होगा, उन तमाम चीज़ों को लेकर ये आज महेश जोशी पहुंचे हुए हैं। मंदिर में कॉरिडोर का नक्शा बनेगा, देखिए बहुत सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि पिछले बजट में 20 करोड़ रुपए का प्रावधान गोविंद देव जी मंदिर के लिए किया गया, जिसकी डीपीआर बन चुकी, इसका 10-15 दिन में इसका काम शुरू होने की उम्मीद मैं करता हूं। इसके अलावा जब माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी का इस तरह ध्यान दिलाया गया कि अपन इसको उज्जैन के महाकाल के तर्ज पर एक कॉरिडोर विकसित करें, तो मुख्यमंत्री जी ने बहुत सहज भाव से 100 करोड़ रुपए की मंजूरी इस काम के लिए दी, और ये भी कहा कि 100 करोड़ रुपए कोई अंतिम नहीं है, ये कॉरिडोर ऐसा बने कि लोगों की आस्था, लोगों का विश्वास, लोगों का जो लगाव है मंदिर के प्रति, विशेषकर जयपुर के लोगों का और पूरे राजस्थान से जो भी आते हैं, उन सब का इस मंदिर के प्रति जो लगाव है, उस लगाव की अपेक्षाओं को पूरा करने वाला कॉरिडोर बनता है, तो 100 करोड़ रुपए से आगे भी इसका बजट दिया जा सकता है। 100 करोड़ रुपए अंतिम नहीं है, तो ऐसे में इसकी डीपीआर बनने का काम शुरू हो चुका है फॉर्मल तरीके से। आज हम जो इसके डीपीआर बनने का काम जिनको मिला है, बड़े आर्किटेक्ट हैं अनु वर्तारिया जी, उनको मिला, लेकिन आज किन्हीं कारणों से उनको वो बिजी हो गए तो आज हम इसका दौरा नहीं कर पाए, लेकिन 3 तारीख तक जब जैसे असेंबली होगी उसके बाद इसका दौरा करेंगे, बहुत बढ़िया इसकी डीपीआर बना के इसका काम शुरू करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि इसका शिलान्यास भी काम का आचार संहिता से पहले हो जाए। तो ये गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर वासियों के लिए तो सारे मंदिरों से ऊपर ये है, जयपुर के आराध्य देव हैं, अब से नहीं सैकड़ों सालों से जयपुर के आराध्य देव हैं, और जयपुर में कोई काल रहा हो, किसी भी प्रकार की व्यवस्था रही हो, चाहे जो क्या कहना चाहिए स्टेट टाइम रहा हो, चाहे उससे पहले राजाओं का समय रहा हो, अंग्रेजों का समय रहा हो, और या अब लोकतंत्र है, जो भी यहाँ के शासक प्रशासक रहे, चाहे मुख्यमंत्री रहे, उन सब का की आस्था यहाँ के प्रति रही है। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी भी यहाँ के प्रति बहुत ज्यादा अगाध उनकी आस्था है, तभी उन्होंने बहुत सहज भाव से ये 100 करोड़ रुपए, उससे पहले 20 करोड़ रुपए, और आगे के लिए उन्होंने ये कहा कि भाई ये इसमें पैसे की कमी नहीं आएगी। तो हम उम्मीद करके चलते हैं कि आज जो हम दौरा करने वाले थे आज नहीं कर पाए, बारिश भी आ गई, कई कारण हैं, और जैसा मैंने बताया कि अनूप जी को अचानक कोई अपरिहार्य कारण ऐसे हो गए, कई बार इंसान के साथ ऐसा हो जाता है कि वो नहीं आ पाता, तो 3 तारीख के बाद में 4 या 5 तारीख को ऐसा हम इसका दौरा करेंगे,
इसकी डीपीआर पे रायशुमारी करेंगे। मंदिर के जो हमारे महंत जी हैं उनसे भी हम राय लेंगे, उनसे सलाह लेंगे, और जिन जिन से सलाह लेनी है उनसे सलाह लेकर इसकी इतनी अच्छी डीपीआर तैयार करेंगे कि लोगों को लगेगा कि वाकई जैसा वे मंदिर चाहते थे वैसा मंदिर बन पाया है। यहां जिस जगह पे हम खड़े हैं, एक डेढ़ साल पहले यहां भी ऐसा ही था, यहां छोटी छोटी दुकानें लग रही थी, लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था, कुछ को परेशानी भी हुई, लेकिन मेरा ये मानना था यहां से जब हमने दुकानें हटवाई कि यहां तो उनको लोग अतिक्रमी कहते थे, लेकिन जहां दुकानें मिलेगी वो उनको आवंटन होगा, वो अलॉटी कहलाए जाएंगे। आज यहां से बेहतर काम धंधा उनका वहां चल रहा है, और ये भक्तों के लिए इतना जबरदस्त तरीके से ये एक चौक खाली हुआ है। यहाँ होली का डांडा भी रोपे जाने लगा है, इसके अलावा यहाँ पे लोगों को आने जाने की, अभी पिछले जन्माष्टमी में 3-4 लाख लोग आए दर्शन करने। अगर ये खाली नहीं होता तो बहुत परेशानी होती। हमने ये जो 2 द्वार थे इसके 3 द्वार करवा दिए, एक छोटा द्वार और बनवाया जो छोटा सा होता था बंद हो गया था, उसको भी हमने चालू करवाया। हमारा विश्वास है कि हम जयपुर के और राजस्थान के भक्तों के जो आशाएं हैं राधा गोविंद देव जी मंदिर से, हम उन आशाओं को पूरा करने के लिए संकल्पित हैं। एक जल्द गहलोत सरकार महिलाओं को मोबाइल भी देने जा रही है, किस तरह का संकल्प है गहलोत सरकार का? देखिए, महिलाओं का सम्मान करना हर धर्म भी कहता है और मानवता भी कहती है। आदिशक्ति है महिलाएं, और आदिशक्ति को हमने पीछे रखा सदियों से, युगों से। ये आदिशक्ति जो है इसका मुख्य धारा में भरपूर एक क्षमता का उपयोग नहीं हो रहा था, इस क्षमता का भी उपयोग होगा। महिला सशक्तिकरण के का जो नारा हम देते हैं वो नारा भी नारा नहीं रहकर उसमें उसके हिसाब से उसके अनुरूप काम होगा। तो महिलाओं को ये जो मोबाइल देने का जो कार्यक्रम है, आप समझ सकते हैं, लोग कहते हैं कि पहली बच्चे की पहली शिक्षक महिला होती है, उसकी माँ होती है। तो ये जो जिन महिलाओं को दिया जाएगा ये भी कभी न कभी किसी न किसी की माँ बनी होंगी, आगे बनेंगी। तो ये जो महिलाओं को जो मोबाइल देने का जो उद्देश्य है वो महिलाओं को डिजिटल करना, उनको इस बात का ज्ञान देना कंप्यूटर क्या है, मोबाइल क्या है, इसका अधिक से अधिक उपयोग क्या हो सकता है, कैसे इसको हम सरकारी योजना का लाभ लेने में उपयोग कर सकते हैं, कैसे हम अपने बच्चों को शिक्षित करने में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस भाव से मोबाइल देने का कार्यक्रम बनाया गया है। मैं समझता हूं कि ये एक अद्भुत और क्रांतिकारी कदम है। कल भाजपा एक बड़ा घेराव करने जा रही है, तो बड़ा घेराव का नाम देते हुए सचिवालय कूच करेंगे, बड़े नेता को शामिल होने का दावा किया जा रहा है। देखिए, भाजपा विपक्षी दल है, विपक्षी दल की जिम्मेदारी होती है कि वो विपक्षी भूमिका निभाए, अभी तक निभा नहीं पाए हैं, तो हम देखते हैं कल क्या होता है। अगर रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाती है भाजपा, हमें खुशी होगी। आज तक तो रचनात्मक विपक्षी भूमिका भाजपा ने निभाई नहीं है, सिर्फ कोरा विरोध करने के लिए विरोध करने की बात कही है, जन आक्रोश रैली की बात करते हैं, न जन होता है न आक्रोश होता है। टोटल भारतीय जनता पार्टी फेल रही है हर मुद्दे पे। जिस मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी वोट मांगती है, जिस मुद्दे पे राजनीति करती है, चाहे वो गौ का हो, गौ सेवा का मुद्दा हो, चाहे वो धर्म का मुद्दा हो, सारे मुद्दों पे कांग्रेस ने उनके ऊपर बढ़त बनाई है, और इतनी बढ़त है कि शायद उस बढ़त को वो पूरा नहीं कर सकते। फिर भी हमें इंतजार है कि कल वो कैसा प्रदर्शन करते हैं। मैं इतना कह सकता हूं, उनका पूरे ये 5वां साल चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रदर्शन अब तक राजस्थान में सफल नहीं हुआ और कल भी सफल नहीं हुआ। कल आप एक इस्तीफा कराने वाले थे, उसकी मैं थोड़ा सा मैं दिल्ली चला गया था, तो एक आध दिन की उसके अंदर देरी हुई है, कुछ उसके अंदर छोटी छोटी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, तो मैं 1-2 दिन के अंदर उसको लगा दूंगा। और ये आप ये मान के चलिए, मैं डिटरमाइंड हूं कि वो मैं मानहानि का मुकदमा दायर करूंगा ही करूंगा। समय की कोई सीमा उसमें होती नहीं है, समय की सीमा जो होती है उसमें हम बहुत अभी तो बिल्कुल हैं, लेकिन मैं तो 2-3 दिन में ही इसको कर दूंगा। छोटी छोटी मैं कल परसों में मुझे उन औपचारिकताओं को पूरा करना था, वो मेरे बाहर जाने के कारण से मैं नहीं कर पाया, आज मैं वापस आया हूँ, 1-2 दिन में करके वो मानहानि का मुकदमा भी हम इस तरह के जरिए दायर कर देंगे।
महेश जोशी को आप सुन रहे थे। और क्योंकि कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, उसको एक रूप दिया जाएगा, इसकी शुरुआत हो रही है, उसको लेकर भी उन्होंने जिक्र किया। तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने फ़ोन, मोबाइल फ़ोन जो बांटे जाएंगे, जो रुपए दिए जाएंगे, उसका भी जिक्र किया। वहीं मानहानि केस के लिए उन्होंने कहा कि मानहानि में जो मुकदमा है वो दर्ज करवाऊंगा, और चाहे थोड़ा सा बिजी हो गया था लेकिन अब जो है उस कार्य को ज़रूर करूंगा। गोविंद देव जी मंदिर में कॉरिडोर का नक्शा बनेगा और उसको लेकर सीएम गहलोत ने बजट में 100 करोड़ की घोषणा की थी। और उज्जैन, महाकाल, काशी, विश्वनाथ, उसी तर्ज पर ये कॉरिडोर जिसे मूर्त रूप देने का काम शुरू हो रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें महेश जोशी की गोविंद देव जी मंदिर पहुंचे और अब ये कार्य जो है मूर्त रूप देने का कार्य कॉरिडोर को वो शुरू हो जाएगा।